अपनी नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलवाना चाहूंगा हर्षिता से, जिसकी ऑल इंडिया 78 रैंक है और इसको एनआईटी त्रिची अलॉट हुआ है बीसीए फाइनल ईयर के साथ। इसने प्रिपरेशन किया था और बहुत ही छोटी जगह से आई हुई है, झांसी के पास की जगह से। तो आपने जो बीसीए फाइनल के साथ प्रिपरेशन किया, तो कई बार बहुत प्रेशर होता है, सबसे ज्यादा मैंने अभी सभी बच्चों को मिलवाऊंगा तो कुछ बच्चे ड्रॉप लेते हैं, कुछ सेकंड ईयर से प्रिपरेशन करते हैं, कुछ फाइनल से, पर जो ये सेशन सुन रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर हम फाइनल ईयर के साथ मैनेज कैसे करें, क्योंकि कॉलेज भी जाना होता है, प्रिपरेशन भी करनी होती है, तो आपने सब कैसे मैनेज किया, क्योंकि आपको अब सबसे अच्छा कॉलेज मिला है और ये तो स्टार्टिंग है, अभी आपको आगे भी बहुत कुछ करना है, तो आप बच्चों को अपने रियल एक्सपीरियंस शेयर करो जिससे बच्चे समझ पाएं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर ये बात डिसाइड कर लिए कि हमें एमसीए करना है या कोई भी कोर्स, तो उसी दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए जब से हमने डिसाइड किया। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव अ बिग थैंक्स टू माय पेरेंट्स, टू शरद सर एंड प्रतीक सर फॉर सपोर्टिंग मी। इन माय 12th क्लास आई वाज हैविंग पीसीएम एंड फ्रॉम दैट ओनली आई हैव डिसाइडेड फॉर माय इंजीनियरिंग। जैसे मैं अपनी ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे भोपाल आई थी, तो पहले मैं LNCT कॉलेज गई थी इंजीनियरिंग करने के लिए, बट वहाँ पे कुछ फीस ज़्यादा थी और जो कॉलेज मेरे को चाहिए था तो वो मेरे को मिल नहीं रहा था, मेरे को थर्ड कॉलेज मिल रहा था, और जैसे कि कैंपस जो भी आता है वो फर्स्ट कॉलेज में आता है, तो मैंने वो छोड़ के फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं BCA करूँगी। तो BSS कॉलेज से मैंने BCA में एडमिशन लिया, उसके साथ साथ मैंने BCA में एडमिशन लेके पढ़ाई करी। उसके बाद सेकेंड ईयर फोर्थ सेम के मेरे एग्जाम्स ख़त्म होने के बाद जो मेरी वैकेशंस थी उसमें मैंने सोचा कि अब MCA के लिए तैयारी करनी है, तो मैंने कोचिंग देखी, तो भोपाल में इम्पेटस कोचिंग में मिली मेरे को। फिर मैंने सोचा कि मैं चलो करूँगी, बात करूँगी पापा से, लेकिन पापा मेरे से पहले बोले कि तुम बैंक की कोचिंग करो, लेकिन मैंने कहा कि बैंक की कोचिंग के लिए मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी मैथ अच्छी है और मैं घर पर बैठ के भी प्रिपेयर कर सकती हूँ उसके लिए। तो पापा को बोला, मैंने कहा कि मैं बुक्स खरीद के और मैं खुद से घर पर प्रैक्टिस करूँगी तो मैं कर सकती हूँ बैंक की कोचिंग, मैं एग्ज़ाम दूँगी तो निकाल लूँगी। पापा बोले अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद अगस्त में मेरे को लगा कि शायद नहीं, बैंक में कुछ अच्छा नहीं होगा, अगर मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ तो फिर उसके लिए मैं MCA के लिए मैं कोचिंग जाऊँगी, और साथ में मेरा फिर BCA का फाइनल ईयर भी था। मैंने यहाँ कोचिंग में आके सर से बात की और फिर मैं नेक्स्ट रक्षाबंधन के टाइम में मैं यहाँ आई थी, और पापा भी फिर मेरे यहाँ पे आए, तो पापा से बात की तो पापा बोलने लगे कि नहीं तुम नहीं कर पाओगी, फीस भी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं तुम कर पाओगी या नहीं। तो मैंने बोला पापा कि पापा मैं कर लूँगी, फिर भी पापा ने एक दो बार बोला कि शायद तुम ना कर पाओ, तो फिर मैं थोड़ा इमोशनली मैंने पापा से बोला, फिर पापा ने कहा अच्छा ठीक है, और पापा ने मेरे हमेशा मेरे को सपोर्ट किया, जो भी मेरे को पढ़ना था वो पापा ने मेरे को हमेशा पढ़ाया है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे से कोचिंग ज्वाइन की, और मैं कॉलेज मेरा रेगुलरली था, लेकिन जो मेरे लास्ट सेकेंड ईयर के मेरे दोनों रिकॉर्ड अच्छे थे, मेरे परसेंटेज भी अच्छे थे, और साथ में हमारी क्लास की अटेंडेंस भी कंपलसरी रहती थी, तो वो मैंने लास्ट सेकेंड ईयर्स में मैंने वो कर दी थी अपनी 75% से ज़्यादा। तो फिर मैंने कॉलेज में भी बात करी, मैम बोली कि अच्छा ठीक है तुम अगर कोचिंग करना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन वीक में एक या दो दिन कम आती रहा करो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर कोचिंग ज्वाइन करी। यहाँ पे सेशन चलते थे सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, और बीच में क्लास भी रहती थी सर की सुबह के टाइम, और शाम को भी रहती थी 4 बजे से 6 बजे तक। तो जब मैंने स्टार्टिंग की फर्स्ट डे से, उस दिन मैं 10-11 बजे आती थी और मैं शाम को 6 बजे जाती थी सर की क्लास के बाद। फिर धीरे धीरे मैंने यहाँ सारे जो भी संडे टेस्ट होते थे वो मैंने सारे टेस्ट दिए यहाँ पे, और मैंने रेगुलरली पूरे सेशन अटेंड किए प्रॉपरली। ब्रेक मिलता था जो भी पर्टिकुलर टाइम पे, वो मैंने ब्रेक लिया उस टाइम पे, और उसके बाद धीरे धीरे फिर सर ने थोड़ी टाइमिंग बढ़ा दी। सर मेरे से बोलने लगे कि तुम थोड़ा रुक जाया करो लेट तक, मतलब अच्छा पढ़ती हो तो उसके साथ साथ तुम रुक जाया करो, तो 7:30 बजे तक पढ़ लिया करो। तो बस के बाद फिर दिसंबर में मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम थे, तो मैं कॉलेज टाइम पे भी मैं कोचिंग में ही आती थी। मैंने अपनी सारी कॉलेज की स्टडी भी मैंने यहीं पर की, और कॉलेज के एग्ज़ाम दे के मैं सीधा कोचिंग में ही आती थी, तो यहीं बैठ के मैं कोचिंग का भी पढ़ती थी और साथ में कॉलेज का भी पढ़ती थी। फिर बाद में सारे टेस्ट होने लगे, फिर जनवरी से सर ने और भी टेस्ट 2-3 टेस्ट और कर दिए थे डेली के, तो वो भी मैंने सारे टेस्ट दिए, और फिर उसके बाद मेरे फिर से एग्ज़ाम फिर मैं 7:30 बजे तक रुकने लगी। और जैसे मेरे मम्मी पापा पहले
लगता था कि शायद परमिशन नहीं देंगे मेरे को 8 बजे तक रुकने की यहाँ पर, लेकिन फिर मैंने सर से बात करवाई तो सर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया रुकने के लिए, और मेरे को कॉलेज के फोर्थ, फिर मेरे 6th सेम के भी एग्ज़ाम थे तो उसमें, क्योंकि मैं तो 6th सेम में तो एक भी दिन कॉलेज नहीं गई हूँ और साथ में एग्ज़ाम भी थे तो डर भी लग रहा था कि अब पता नहीं कैसे होगा मेरे एग्ज़ाम का। तो मैंने प्रतीक सर से बात की तो सर बोले कि वो उनने मेरे को एक एक दिन में सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए, बोले अच्छा तुम ऐसा पढ़ के और चल जाना तुम पास हो जाओगी। मैं भी यही सोच रही थी कि बस पास हो जाऊँ क्योंकि मेरे सारे पहले के रिकॉर्ड सारे अच्छे थे और अभी रिजल्ट चाहिए था तो उसमें तो 75% 60% से ज़्यादा चाहिए था तो वो मेरा हो जाता। तो उसके साथ साथ मैंने अपने कॉलेज के भी एग्ज़ाम दिए और यहाँ के मैंने पूरे सेशन रेगुलरली अटेंड किए, एक भी टेस्ट सीरीज मिस भी नहीं की है। हाँ अगर कोई अर्जेंट था एक दिन या दो दिन तो उसमें मैं गई थी, बाकी मैंने सारे रेगुलर सेशन अटेंड किए। और फिर एग्ज़ाम मेरे 14 मई को एंड हुए, 15 मई को मेरा BHU का एग्ज़ाम था, उसमें भी मेरी अच्छी रैंक आई है। फिर उसके बाद जो जैसा सर ने बोला था कि अब कम टाइम है, जैसे 10 दिन बचे थे, 26 को एग्ज़ाम था, तो मैंने उसके लिए सिर्फ जैसे सर ने बोला था कि सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करो उस टाइम पे, तो मैंने सिर्फ फॉर्मूले ही रिवाइज करे और बाकी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई भी नहीं की कि अलग से क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहा है तो अब इसको फिर से सॉल्व करूँ। तो मैंने सिर्फ बेसिक सारे फॉर्मूले रिवाइज करे जैसा सर ने बोला था। और उसके बाद एग्ज़ाम में ये हुआ कि एग्ज़ाम इस बार पेपर थोड़ा टफ आया था, तो जैसा सर ने बोला था कि पेपर देख के घबराना नहीं है और ये सोचना है कि हमसे सारा बन जाएगा, तो वैसे ही मैंने पेपर पहले देखा, मैंने सोचा कि अब तो ये पेपर कैसे बनेगा, फिर मेरे को सर की बात याद आई कि सर बोलते हैं कि घबराना नहीं है। मैंने सेम वैसे ही किया और सारे क्वेश्चंस को ट्राई किया, जितने मेरे से बने वो मैंने किए, कुछ मेरे रॉन्ग भी हो गए थे थोड़े बहुत 2-3, लेकिन मैंने अच्छा रिजल्ट दिया उसके बाद। थैंक यू टू शरद सर एंड प्रतीक सर और फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू। मैं देखो एक और बात बोलना चाहूंगा, जो इसने अपना टाइम टेबल बताया, रूटीन बताया, हर तरह से लोग सपोर्ट करते हैं अगर हम लोग डिजर्व करते हैं। कई बार गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है, इसने अपने पेरेंट्स से बात करवाई और मैंने बात भी की और उन्होंने भी सपोर्ट किया, पर कई बार हम लोग बात ही नहीं करते, इनिशिएटिव ही नहीं लेते तो प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात ये कि फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में बहुत अच्छे परसेंट बनाए, तो आप लोग जो अगर सेशन सुन रहे हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो तो ये बात इसने पहले से दिमाग में था कि फाइनल के साथ प्रिपरेशन करना, इमीडिएटली अच्छे से प्रिपरेशन की, उसका फायदा ही हुआ कि फाइनल में प्रेशर नहीं हुआ, एक बात। दूसरी बात, पहले कंफ्यूजन था कि बैंकिंग की क्लासेस करें ये करें, पर बैंकिंग की क्लास करने भी गई, वहां देखा इसने कि वहां हर कोई जो है वो बैंकिंग की क्लास कर रहा है और जब हम हटके कुछ कर सकते हैं, BCA जैसा कोर्स कर रहे हैं तो क्यों ना कुछ किया जाए। और देखो इसने एक साल प्रिपरेशन की और आज NIT त्रिची में सिलेक्ट भी हुई, तो मैं आपको एक बार फिर से बधाई देना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप आगे भी बहुत अच्छा जीवन में करो। और क्योंकि आप झांसी के पास एक छोटी सी जगह कहां से तालबेट वहां से आई, तो वहां के बच्चों को भी आगे निकालो, क्योंकि हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारी बात लोग सुनते हैं, एक सक्सेस हमारी कई चीजों को आगे बढ़ाती है। तो आप ऐसे छोटे छोटे बच्चों को सही समय पर गाइडेंस दो, वो भी आगे निकले और आप भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ो। थैंक यू।